श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज एक साबर विधान आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसका उपयोग होता है किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए। तो जब आप इस मंत्र का संकल्प लेंगे तो वो दो तरह का संकल्प हो सकता है। पहला संकल्प है कि आपका कोई कार्य शुरू होने वाला है या आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसकी पूर्णता के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो इसका बड़ा उपयोग वो ये है कि अगर किसी साधना को आप सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी मंत्र को आप सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तंत्र को आप सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अगर आपका सिद्ध नहीं हो रहा है, तो भी ये साधना को कर ले संकल्प करके। फिर उस साधना को अगर आप करेंगे तो वो जो साधना है वो पूर्ण होगी। ये साधना गणपति वीर की है, साथ में रिद्धि सिद्धि की है, जो गुरु परंपरा से मंत्रों की साधना करते हैं उनको तो गुरु के शक्ति से सिद्धियां मिल जाती हैं, मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन अगर आप शास्त्रों को पढ़ के और किसी मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर अक्षरशः लगभग अक्षरशः भी आप पालन करते हैं तब भी मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। मान के चलिए कि बोल देता है कि 1 लाख जाप कर ले, 1.25 लाख जाप कर ले, 40 दिन जाप कर ले, लेकिन वो जो वैदिक मंत्र है उसकी सिद्धि आपसे हो नहीं पाती है, भले वो श्री विद्या की हो। तो वैसी स्थिति में पहले साबर के इस विद्या का अध्ययन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, और जो विधान है उससे उसकी पूर्ति करनी चाहिए। जिस समय ग्रंथ लिखे गए थे उस समय मनुष्य का जो शक्ति था वो थोड़ा ज्यादा हुआ करता था। आज के डेट में हम लोगों का मंत्र क्यों नहीं सिद्ध होता है? एक कि उस समय के लोगों में जो शक्तियां हुआ करती थी, जो आध्यात्मिक चेतना थी, अगर वो 1.25 लाख एक मंत्र का जाप करते थे तो वो सिद्ध हो जाता था। आज हमारी आध्यात्मिक चेतना उतनी है नहीं, तो 1.25 लाख मंत्र अगर उनका दिया है तो हमें 1.5 लाख 1 करोड़ मंत्र तक जाप करना चाहिए। दूसरा ये है कि एक ही विषय पे अलग अलग मंत्रों का जब आप प्रयोग करते हैं एक ही कार्य के लिए, तो एक के बाद दूसरा मंत्र जो है वो उपयोगी नहीं होता है। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप लोगों को एक तो एक मंत्र का एक ही विधान, एक ही प्रयोग, एक देवता के लिए एक ही मंत्र हमेशा रखें, और कभी भी जब आप मंत्र की सिद्धि करने जाते हैं तो कभी ये दिमाग में ना लाए कि ये मंत्र मेरा सिद्ध होगा तो मैं फलना कार्य करूंगा। मंत्र सिद्धि और कार्य के लिए मंत्र सिद्धि, मतलब जो षटकर्म होता है दोनों में अलग होता है, दोनों का विद्या अलग होता है। आप प्रत्यक्षीकरण के लिए अगर किसी साधना को सिद्ध कर रहे हैं या किसी वशीकरण साधना को सिद्ध कर रहे हैं, तो साधना करते समय ये ना सोचे कि अगर वशीकरण का मंत्र ये सिद्ध हो गया तो मैं इससे अमुक व्यक्ति का वशीकरण करूंगा, इससे भी साधना में दोष लगता है। ठीक है, तो करना क्या है आप लोगों को? सबसे पहले ये जो मंत्र है इसको बुधवार, शुक्रवार या शनिवार को आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और इस मंत्र का जो जाप है वो 40 दिनों तक करना होता है। ठीक है, कितना जाप करना होता है? तो 125, न 100 न 108, बिल्कुल 125 का जाप करना होता है, और हस्तमाला पर, करमाला जिसको कहते हैं, उस पर जाप करते हैं। ठीक है, इस मंत्र का जब जाप करना हो तो जाप करने से पूर्व में आप संकल्प कर लें कि अमुक मंत्र का मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो, या अमुक वस्तु की मुझे प्राप्ति हो, अमुक कार्य मेरा सफल हो जाए। ठीक है, ये जो साधना है वो हमेशा, क्योंकि अघोर साधना है, तो एकांत स्थान पर करेंगे। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, एकांत स्थान पर इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर कोई अविश्वासी व्यक्ति है वो अगर आसपास में आपका आपको साधना या पूजा करते हुए देखे और वो बोले कि अरे ये बेकार कर रहा है, तो आपकी साधना व्यर्थ हो जाती है। तो एक तो चाहे तो एकांत स्थल पर आप जाके इसका साधना करें, या फिर कोई ऐसे मकान में करें, ऐसा आप स्थान ले लें जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। ठीक है,
अगरबत्ती सख्त वर्जित है साधना में, ठीक है। धूप बत्ती सा का प्रयोग कर सकते हैं, और जो दीपक है वो घी का जलाना चाहिए। अच्छा, आपने जैसे अपना आसन बिछा लिया, कम्बल का आसन हो, हाँ, या जो भी ऊनी आसन हो, काले या लाल रंग का, उसके बाद क्या है, जो दीपक है आपके आसन से 1 फुट ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। दीपक और आपका जो कि जो बैठने का स्थान हो, वो एक ना हो, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक बर्तन में सामने 2 तोला सिंदूर रखिएगा। एक चीज में ध्यान देना है कि जो सिंथेटिक सिंदूर बाजार में मिलता है, उससे बचते हुए कोशिश करना है शुद्ध अति शुद्ध जो है वो सिंदूर आपको मिले, ठीक है। और रात्रि के समय 11 बजे शुरू करेंगे, 125 बार जाप करेंगे। इसमें सिर्फ एक लड्डू रोज प्रसाद चढ़ाना होता है, ठीक है। और रात में आपने लड्डू चढ़ाए, जाप किया, सुबह जो है आप बच्चों को ये प्रसाद देंगे, ठीक है। और जब 40वां दिन होगा, अंतिम दिन होगा, तो 125 लड्डू जो है वो आपको प्रसाद में चढ़ा के फिर बच्चों को बांट देना चाहिए। देखिए, बच्चों का विशेष इस पूरी साधना में एक व्यवस्था है। क्यों है? क्योंकि कहते हैं कि जो बाल गणेश हैं वो किसी बालक का रूप धर के आपके पास आते हैं और आपसे आपका मन्नत पूछते हैं, और आपसे इस रूप में पूछेंगे, आप समझ भी नहीं पाओगे कि वो आपसे क्या है, कौन सा व्यक्ति है, कौन सा बच्चा है और क्या आपसे पूछ रहा है। तो साधक को हमेशा चेतन मन में रहना चाहिए, और ऐसा कोई अगर बालक पूछे तो उससे ऐसी वस्तु की मांग करे जो कि होने वाली हो। मतलब ऐसा ना मांग ले कि मुझे आप नागमणि ला के दो, मुझे कल्प वृक्ष ला के दो, है ना, या मुझे फलना हीरोइन से शादी करा दो। ऐसा ही चीज मांगना चाहिए जो आपको तत्काल मिल सके और जो आपके तत्कालिक समस्या का समाधान कर सके। कई बार क्या होता है कि ये बालक के रूप में ना करके आप जब साधना के क्रम में 40 दिन के पहले ही आपको आवाज आती है और आपसे उत्तर मांगा जाता है कि आपको क्या चाहिए, तो उसी समय उसका जवाब देना चाहिए, ठीक है। जो सिंदूर आपने रखा है वो जब साधना आपकी समाप्त होगी तो उसको एक पुड़िया में बांध कर रखें, ठीक है। और जब पूरा प्रयोग हो जाता है, 1 सप्ताह तक उस सिंदूर को स्पर्श नहीं करना चाहिए, और जब उस कार्य को आपको करना जानना है तो फिर उस सिंदूर को निकालिए और फिर टीका लगाइए और फिर अपने काम पर चलिए। मंत्र थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनेंगे। गणपति वीर भूखे मसान, फल मांगू सो फल देत गणपत देखे, गणपत देरे गणपत के छात्र से बादशाह डरे, मुख देखे राजा प्रजा डरे, हाथा चढ़े सिंदूर औलिया, गौरी का पुत्र गूगल खे करूंगा ढेरी, रिद्ध सिद्ध गणपत साये घेरनी गिरनार पति ओम नमो स्वाहा, ठीक है। इनमें कुछ कुछ शब्द है, इस पे ध्यान देना। गणपत वीर भूखे मसान, फल मांगू तो फल देत गणपत देखे गणपत, डेरे गणपत के छात्र से बादशाह डरे, मुख देखे राजा प्रजा डरे, हाता चढ़े सिंदूर औलिया, गौरी का पुत्र गूगल खे करूंगा ढेरी, रिद्ध सिद्ध, रिद्धि सिद्धि नहीं है, रिद्ध सिद्ध गणपत लाए घनेरी, गिरनार पति ओम नमो स्वाहा। यही मंत्र है, ठीक है। इसका 125 जाप आपको हमेशा करना है। इस पूरे विधान में कहीं भी हवन या फिर मार्जन इसका विधान नहीं है। इतना करने से ही वो जो 40 दिन बाद है आपका सिंदूर सिद्ध हो जाता है, और जहाँ भी वो कार्यस्थली है जहाँ आपका काम रुक रहा है, आप जब वहाँ जाएंगे तो बस इस टीका को लगा देंगे, ठीक है, और आपका संपूर्ण कार्य हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जिन्हें पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9431188585 से जुड़ सकते हैं। इसमें जो साधना का
शुरुआती विधान है, जैसे यंत्र बनाना, मंत्र उच्चारण करना, हवन करना, हवन सजाना, भैरव जी का हवन करना, पूजा करना, ये हम आपको सिखाते हैं। ये 3 महीने का साधना है। जिनको मेरा आगामी कार्यक्रम जानना है या लेख पढ़ना है, वो www.agurtantrasa.com पर चले जाएं। डायरेक्ट बात करने के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप उस पर मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गणपति आप सभी को धनाढ्य करें, ऐसी मेरी प्रार्थना। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।